This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your risk. हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉस दी फर्स्ट ओडीआई मैच इंडिया टूर ऑफ श्रीलंका, और ये खेला जाएगा आपको इंडिया और श्रीलंका के बीच। वीडियो को लास्ट अंत तक देखो क्योंकि इस वीडियो में ड्रीम इलेवन टीम फैंटेसी इलेवन या फिर आपको प्लेइंग इलेवन क्या रहने वाला है, पिच रिपोर्ट, अभी तक कितने मैच दोनों टीमों ने खेले ने, क्या परफॉर्मेंस रहा है, सब कुछ ए टू जेड यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो भाई मेरे लास्ट अंत देखना, एक भी सेकेंड मिस मत करना। यहाँ पर पूरा डिटेल्स एनालिसिस है इस मैच का, श्रीलंका और इंडिया के बीच का। तो फर्स्ट ओडीआई मैच है जहां बता दें कि कोविड की वजह से श्रीलंका कैंप में कोविड की वजह से डेट एक्सटेंड हो गया था, और ये मैच आपको 18 तारीख से खेला जा रहा है। तो वही तीन ओडीआई मैच पहले खेले जाएंगे, फिर तीन टी20 मैच हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप हमसे नहीं जुड़े हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का दिया गया है और ये व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे, तो ज्वाइन हो जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ दिया गया है आपको। तो बात करते हैं दोस्तों मैच को, तो सबसे पहले तो बता दूंगा टेलीग्राम पर फेक और फर्जी से बच के रहना, मेरे नाम से बहुत फर्जी है। तो ओरिजिनल चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको संडे को जुलाई 18 को ये मैच खेला जाएगा, 3 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार पे खेला जाएगा, आर प्रेमदास स्टेडियम में खेला जा रहा है कोलंबो में, और आप हमसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम पे। तो सबसे पहले बता रहे दोस्तों पिच की बात करते हैं, तो पिच कैसा बिहेव करने वाला है। तो टोटल मैच देखोगे यहाँ पे 121 मैच खेले जा चुके हैं इस पिच पे ओडीआई मैच, जहाँ पे 71 यहाँ पे फर्स्ट बैट विन हुई है, 50 यहाँ पे सेकंड बैट विन हुई है। पिच बहुत ही न्यूट्रल पिच है, और देखा जाए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेकेंड बैट विन करते हुए नजर आए, फर्स्ट बैट विन करते नजर आई है। अगर लेटेस्ट फॉर्म में देखोगे तो अभी तक एवरेज स्कोर 241 रहा है, और हाईएस्ट स्कोर ऐसा नहीं कि स्कोरिंग पिच ग्राउंड ही है, स्कोरिंग पिच ग्राउंड है 375, इंडिया ने ही यहाँ पे श्रीलंका के खिलाफ हाईएस्ट बनाया, नीदरलैंड का यहाँ पे लोएस्ट स्कोर 86। तो दोस्तों यहाँ पे जो कि मैच हुए हैं, अगर स्कोरिंग हो जाता है 300 के करीब, 270-80-90, तो आपको ये डिफेंडिंग यहाँ पे मैच देखे जा सकते हैं। स्कोरिंग पैटर्न पर ज़्यादा ध्यान दो तो यहाँ पे 200 बिलो 200 के बीच यहाँ पे 21 मैच खेले जा चुके हैं, और फर्स्ट इनिंग में 200 से 249 50 मैच, 250 से 299 30 मैच, अबव 320 मैचों में यहाँ पे स्कोर लगे हैं। तो देख सकते हो स्कोरिंग भी माना जा सकता है पिच, लेकिन सबसे ज़्यादा 200 से 249 के बीच लगे हैं। तो बैटिंग पिच ग्राउंड है, बैट यहाँ पे करना बहुत आसान होगा, ड्यू फैक्टर विद नाइट का मैच होगा तो सेकेंड बैट को यहाँ पे प्रेफर करेगा, ड्यू फैक्टर आएगा जिसके कारण टॉस विनर, अगर यहाँ पे रिकॉर्ड देखोगे तो रिकॉर्ड के अनुसार तो फर्स्ट बैट जाएंगे, लेकिन ड्यू के कारण यहाँ पे सेकंड बैट के लिए टीम उतर सकती है, और इंडिया को चेसिंग करना बहुत ही पसंद है तो चेसिंग के लिए ज़्यादा इंडिया फोर्स करेगी। पेस अटैक यहाँ पे विकेट लेते हुए आएंगे, हालांकि दोनों टीमों में स्पिन बॉलर भी बहुत ही अच्छे हैं, युजेंद्र चहल, दीपक चहर, ये सब अवेलेबल रहेंगे। मौसम आपको क्लियर दिखाई देगा, मौसम में कुछ डिफिकल्ट नहीं है, मौसम आपको क्लियर दिखाई देने वाला है। तो पिच आपको समझ में आ गया कैसा बिहेव करने वाला है। अब बात करते हैं टीम में, तो शिखर धवन जहां स्क्वाड को लीड कर रहे हैं, ईशान किशन और संजीव सैमसन विकेट कीपिंग के लिए अवेलेबल रहेंगे। यंग प्लेयर जो कि टीम इंडिया बी को यहां पे श्रीलंका के खिलाफ ये मैच खेलने को मौका मिला है। श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका धनुष सनाका स्क्वाड को लीड करेंगे, कुशल परेरा थे इंजर्ड हैं तो कुशल परेरा नहीं खेलेंगे इस सीरीज में। अनकैप्ड लहिरू उडारा, सिहरन फर्नांडो और ईशान जयरत्न ने यहाँ पे ज्वाइन किए हैं स्क्वाड को, श्रीलंका के स्क्वाड को। हेड टू हेड बात करें, अभी तक 51 मैच खेले जा चुके हैं, इंडिया का 32 विन है और श्रीलंका का 16 विन है, दो नो रिजल्ट है। वही बात करते हैं टोटल 30 मैच में, अगर बात करते हैं तो 30 मैच की बात करें इस पिच पे, 30 में से 14 मैच इस वेन्यू पे जो कि इंडिया ने जीता है, 12 श्रीलंका ने जीता है, और वही बाकी नो रिजल्ट रहा है या अबाउंडेड हो गया है, कुछ कैंसिल हो गया है। रिसेंट फॉर्म में देखो तो श्रीलंका अपना लास्ट सीरीज इंग्लैंड से खेल के आ रही है, सीरीज हारी, बांग्लादेश से खेली उससे पहले सीरीज हारी, इंडिया इंग्लैंड से खेली जीती, ऑस्ट्रेलिया से खेली सीरीज उससे पहले ओडीआई सीरीज जीती। प्लेइंग इलेवन को ध्यान में रखते हुए देखोगे तो प्लेइंग इलेवन में श्रीलंका की तरफ से शिखर धवन, पृथ्वी शाह, मनीष पांडे, इंडिया की तरफ से माफ कीजिएगा, शिखर धवन, पृथ्वी शाह, मनीष पांडे, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, युजेंद्र चहल, सूर्य कुमार यादव, कुलदीप यादव या दीपक चहर, आपको ज़्यादातर चांस है मुझे यहाँ पर दीपक चहर को मौका मिलना चाहिए। कुलदीप यादव एक्सपीरियंस बॉलर है लेकिन फॉर्म में नहीं है, नवदीप सैनी यहाँ पर खेलते हुए नजर आ सकते हैं। श्रीलंका की तरफ से अविशंका फर्नांडो, रमेश मेंडे या लहरू उडारा, धनुष सनाका, धनंजय डे सिल्वा, इसरू उडाना, वेंडू हरशांगा, विनोद भानुका, लक्ष्मण सरनकन, लहरू कुमारा, दुष्मांता चमीरा,
हसन बांद्रा, चमिका करुणारत्ने, तो ये प्लेइंग 11 में ये सब रह सकते हैं आपको जो श्रीलंका की तरफ से। अब सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं की प्लेयर्स। की प्लेयर्स में आपको बात करें जो कि इंपॉर्टेंट है, किसको किसको लेके चलना है। इंडिया की तरफ से बात करते हैं, संजू सैमसन, शिखर धवन, मनीष पांडे, पृथ्वी शाह के भी ले सकते हो। पृथ्वी शाह एक बेहतरीन ऑप्शन रहेंगे, अगर पृथ्वी शाह टिक गए तो आपको कैप्टन में या ग्रैंड लीग टीम में अच्छा विनिंग दे सकते हैं। कुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार। तो दोस्तों ये टीम रहा। बाकी श्रीलंका की तरफ बात करें, श्रीलंका की तरफ से धनुष सनाका, अविशंका फर्नांडो, डी सिल्वा, वेंडू हरसंगा, लस्कन संकन, तो प्लेइंग 11 में ये अपना जो कि इंपॉर्टेंट है, इन फॉर्म में आपको दिखेंगे तो ये सब इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। बाकी आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ो, वहाँ पे सारे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे, और व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, तो यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अब बात करेंगे डी11 टीम के लिए। संजू सैमसन जहाँ ईशान किशन के अबव एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो इन्हीं को मौका मिलेगा, यही जा सकते हैं। बाकी आपको श्रीलंका की तरफ से मैं यहाँ पर पसंद नहीं करूँगा जाना, तो संजू सैमसन बेहतरीन ऑप्शन है, इनके साथ जाइए। बैट्समैन की बात करें, शिखर धवन, मनीष पांड्या, अविशंका फर्नांडो, बाकी ये सूर्य कुमार यादव भी अवेलेबल रहेंगे, और पृथ्वी शॉ ऑप्शन में दे देता हूँ, दो आप पिक कर सकते हो। बाकी ऑलराउंडर सेक्शन में वेंडू हरसंगा, डी सिल्वा, कुणाल पांड्या, तो मैं हार्दिक पांड्या को, स्टार्ट बॉय को अभी ड्रॉप करूँगा, लेकिन वेंडू हरसंगा, डी सिल्वा और कुणाल पांड्या, ये कुणाल पांड्या को मैं इसलिए ले रहा हूँ, थोड़ा रिस्क ले रहा हूँ, अगर ग्रैंड लीग के लिए चल दिए तो अच्छा काम कर सकते हैं। बाकी बात करें आपको बॉलिंग में भुवनेश्वर कुमार, युजेंद्र चहल, दुष्मांता चमीरा और लस्कन संकन, और ODI फॉर्मेट है, विकेट ज़्यादा आएंगे, अगर आप देखोगे इंडिया एक कहीं ज़्यादा विकेट लेते हुए नज़र आए श्रीलंका से, तो बहुत अच्छा मैच होने वाला है, और प्लेयर भी एवरेज है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको कैप्टन किसको बनाना है। पहला तो ऑप्शन मेरा मनीष पांड्या कैप्टन के लिए रहेगा, वेंडू हरसंगा वाइस कैप्टन के लिए। दूसरा आप जा सकते हो कैप्टन संजू सैमसन, वाइस कैप्टन बी कुमार। ये जो मैं टीम दे रहा हूँ हेड टू हेड 3-4 मेंबर के लिए इनफ है, बहुत अच्छा परफॉर्म करें। शिखर धवन कैप्टन यहाँ पे बहुत लोगों ने बना रखा है, तो ग्रैंड लीग के लिए आप अगर जीत भी जाते हो तो रैंक बहुत कमाएगा, 45% लोगों ने बना रखा है, तो यहाँ पे मैं शिखर धवन को कैप्टन के लिए ड्रॉप करूँगा। बाकी आपको क्रिक 11 पे अपडेट दे दूँगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, ज्वाइन कर लो। वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो, टेलीग्राम ज्वाइन करो हमारा। मिलते हैं अगले वीडियो में।